शुरू करें। आप सबका आम आदमी पार्टी के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुबह से जो भी न्यूज रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से की जा रही है वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मेलिशियस है और मैं कहूं यहां तक मोटिवेटेड है। फैक्चुअली रॉन्ग और इनकरेक्ट खबर दिखाई जा रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में सुबह से प्रचार किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि न जाने मुझे अभियुक्त के तौर पर, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया है। यह सरासर गलत है और मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के पहले अपनी बात स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद इसके राजनीतिक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूज आर्टिकल्स एंड रिपोर्टर्स स्टेटिंग दैट आई बीइंग नेम्ड एज एन अक्यूज्ड इन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर फैक्चुअली रॉन्ग, इनकरेक्ट, मोटिवेटेड एंड अपीयर टू बी अ प्रोपेगेंडा टू हार्म माय रेपुटेशन एंड माय क्रेडिबिलिटी by misleading and using the media. I wish to clarify that I have not been named as an accused or as a suspect or even as a witness in any of the complaints filed by the Enforcement Directorate in the ongoing investigation. I challenge the media houses who have carried this false propaganda to show any shred of evidence against me in any investigation carried out by any of these agencies that are controlled by the BJP. The least the media could have done is been inconsistent with the journalistic norms that they could have taken my version before making these false claims and publishing these false reportage. The reputation and the credibility of a person is very precious and is built over time. I appeal to the media and all my friends sitting in this chamber to clarify the stated position lest I will be constrained to take legal action as has been advised by my lawyers. मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं। जो सुबह से खबरें दिखाई जा रही हैं वो सरासर गलत और झूठी और बेबुनियाद हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है और खास करके ये जो ongoing investigation दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। जो रिपोर्ट छापी जा रही है अखबारों द्वारा, न्यूज वेबसाइट्स द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया के साथियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि एक इंसान की छवि, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी सार्वजनिक जीवन में बहुत जद्दोजहद से, मेहनत से, खून पसीने से बनती है। किसी की भी रेपुटेशन को इस प्रकार से हार्म करने से पहले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक रिस्पॉन्स तो लेना चाहिए था, मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आ गया, आपको इस पर क्या कहना है, मैं स्पष्टीकरण देता। लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े मीडिया हाउसेस ने मेरे नाम की और मेरी छवि की हानि पहुंचाने की कोशिशें की हैं। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप
इस चीज को क्लैरिफाई करें, जो गलत खबर छापी है उसे विड्रॉ करें, सही खबर छापें, नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उन तमाम अखबारों के खिलाफ या मीडिया हाउसेस के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया है कि न जाने मैं कौन सा बड़ा घोटालेबाज हूं, मैंने कितने करोड़ों का घोटाला कर दिया हो, और मैं इस पूरे कई मुकदमों में या कई ईडी की कंप्लेंटों में अभियुक्त के तौर पर मेरी भूमिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखी। साथियों, ये जो पूरी कार्रवाई है, जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पिछले करीब करीब एक साल से चल रही है, ये सरासर राजनीतिक है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसका लक्ष्य बस इतना है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और शायद आज बीजेपी मेरे नाम का दुष्प्रचार करने की, मेरे नाम की और मेरी छवि को हानि पहुंचाने की कोशिशें कर रही है, इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही है, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में लगातार बढ़ती जा रही है। वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की पार्टी थी, दिल्ली में चुनाव जीता करती थी, आज वो पंजाब में सरकार चला रही है। पंजाब के को इंचार्ज के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सबके मेहनत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। मुझे गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिम्मेदारी दी, बतौर सह प्रभारी मैंने गुजरात में भी काम किया, और हमारी सबकी मेहनत की बदौलत, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की बदौलत, हम गुजरात के चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी बने, नेशनल पार्टी बने। आज अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने के लिए इस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर बीजेपी का कोई काल है तो वो अरविंद केजरीवाल है, अगर बीजेपी का कोई काल है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जैसे कंस को यह मालूम था कि उसका अंत, उसका विनाश, उसका काल, उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों लिखी है, और उसने हर संभव कोशिश करी भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने की, लेकिन हानि नहीं पहुंचा पाया। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी यह बात जानती है कि उनका अंत और उनका काल अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल के हाथों लिखा है, इसीलिए वो हर संभव कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने की, लेकिन सफल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ये सारे शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। जिस इन्वेस्टिगेशन की हम जिक्र कर रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को आप सब जो आज इस भारी तादाद में इस आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हैं, आप सब करीब करीब एक साल से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को बहुत करीब से देख रहे हैं। करीब 1000 से ज्यादा अफसर इस पूरी जांच पड़ताल में शामिल हैं। 400 से ज्यादा ठिकानों पर इन लोगों ने सर्च किया, सीज किया, रेडे करी, कई गवाहों को अपने पास बुलाकर उनके बयान दर्ज कराए, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक फूटी कौड़ी अभी तक नहीं ढूंढ पाए, ना इनको मिली, क्योंकि घोटाला हुआ ही नहीं। यह बीजेपी के दिमाग का घोटाला है। रोज बीजेपी कहती है 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। 1000 करोड़ तो छोड़िए, 10 रुपए भी अगर भारतीय जनता पार्टी की इन एजेंसियों को कहीं से मिले हो तो मुझे बताइए। और मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई के अफसरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, उन पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालो, और उसी कवायद में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने की कोशिश करी जा रही। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, आम आदमी पार्टी इन पर्चों से, इन चार्जशीट से, इन जेलों से डरने वाली नहीं है। हम सड़कों पर आंदोलन करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं, और मैं
साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज मीडिया हाउसेज ने गलत खबर दिखाकर, खबरों को तोड़ मरोड़ कर मेरे नाम और मेरी छवि को हानि पहुंचाने की कोशिश करी है, यह सरासर गलत है। मैं आप सबसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप सब इन सारी स्टोरीज को रिट्रैक्ट करें और क्लैरिफिकेशन इशू करें, वरना मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं फिर से एक बार आप सबको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मेरा नाम किसी भी कंप्लेंट में या किसी भी चार्जशीट में या किसी भी दस्तावेज में जो आज तक ईडी ने कोर्ट में जमा कराया है, उसमें बतौर अक्यूज्ड या बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट नहीं है। यानी कि ना अभियुक्त के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे, ना गवाह के तौर पे मेरा नाम कहीं पर भी किसी भी कंप्लेंट में, किसी भी चार्जशीट में, किसी भी एफआईआर में, किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सुबह से मीडिया चैनल मेरे नाम को और मेरी छवि को हानि पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं, जाने अनजाने में कर रहे हैं या किसी मोटिवेशन के तहत कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसमें आप रिज्वाइंडर इशू करें, इस खबर को क्लैरिफाई करें, नहीं तो मजबूरन मुझे कोई ना कोई कदम, कानूनी कदम उठाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर से यह कहना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई, जिनके 1000 से ज्यादा अफसर पिछले एक साल से लगे हुए हैं, 400 से ज्यादा जगहों पर इन लोगों ने रेड करी, सर्च करी, सीज करी, अगर 1000 करोड़ का घोटाला होता तो 1000 रुपए का नोट तो कहीं मिलना चाहिए था, या 500-500 रुपए के दो नोट तो मिलने चाहिए थे, 500-500 के नोट छोड़ दीजिए, 5 रुपए का कहीं सिक्का तो मिलना चाहिए था। आपने मनीष सिसोदिया का लॉकर खंगाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, आपने मनीष सिसोदिया जी के सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार सब पे रेड करी, लेकिन एक फूटी कौड़ी आपको नहीं मिली, एक फूटी कौड़ी कहीं से बरामद नहीं हुई, क्योंकि ये जो घोटाला है ये बीजेपी के मन का घोटाला है, और इस मन के घोटाले का मकसद सिर्फ एक ही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी देश में आगे बढ़ रही है, इस रफ्तार से आज तक आजाद भारत के इतिहास में कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ रही, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में फैलती जा रही है, केवल दिल्ली पंजाब में नहीं, केवल गुजरात और गोवा में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, आज पूरा हिंदुस्तान अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में, जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं, पानी, बिजली, सब बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं, उसके चर्चे हो रहे हैं, और सब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और विस्तार करे। आम आदमी पार्टी की इस बढ़ती और अरविंद केजरीवाल जी की इस बढ़ती लोकप्रियता से घबराते हुए बीजेपी और उनकी एजेंसियां ये सारे काम कर रही हैं। मैं साफ तौर पर एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा, आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया किसी के नाम और किसी की छवि खराब करने से पहले 4 बार सोचें। जर्नलिस्टिक नॉर्म्स कहते हैं हमसे पूछें, हमसे बात करें, जिसका नाम और जिसकी नाम और उसकी छवि को हानि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उस शख्स से बात करें, बिना किसी से पूछे किसी के नाम को इस प्रकार से प्रचारित करना और ऐसे दिखाना कि न जाने इस शख्स ने कितना बड़ा घोटाला कर दिया हो, ये अभियुक्त बन गया हो, ये साफ तौर पर गलत है, इलीगल है, मैला फिडे है, मलिशियस है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मोटिवेटेड। थैंक यू। कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को बताया गया है कि उनके का ब्रेन चाइल्ड था आपका, ऐसा दावा किया गया उसमें। जैसा कि मैंने कहा, पिछले एक साल से जो इन्वेस्टिगेशन 1000 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर कर रहे हैं, उन्हें लगातार बोला जा रहा है, टॉप से बोला जा रहा है, पीएमओ से बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को खत्म करो, इन्हें जेल में डालो, इनकी राजनीति, इनकी पार्टी, सब कुछ बंद कर दो। बीजेपी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, वांट्स टू कंडक्ट अ पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल। बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिकल असैसिनेशन कराना चाहती है, वो चाहती है अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, उनकी पार्टी, सब खत्म हो जाए, ताकि बीजेपी को इस देश में चुनौती देने वाला और कोई शख्स ना बचे।
सिर्फ इसी मकसद से झूठे केस, झूठे मुकदमे, झूठी जेल और ये झूठे चार्जशीट फाइल करी जा रही है। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, आज इस देश में ईमानदारी की कसमें लोग अरविंद केजरीवाल के नाम पे खाते हैं। 1,000 करोड़ का घोटाला कहने वाली बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं, एक रुपया भी अगर एक फूटी कौड़ी भी कहीं मिली हो तो दिखाएं, मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी, एक फूटी कौड़ी कहीं मिली हो तो चुनौती देता हूं। सिर्फ झूठे आरोप, झूठी एजेंसियां, डरना चाहिए बीजेपी को। आज उनके पास एजेंसियां, आज वो सत्ता में है, कल को कोई विपक्ष की पार्टी सत्ता में आ गई, उसके हाथ ही एजेंसियां लग गई तो वो क्या हाशिर करेगी। मैंने बकायदा विस्तार से आपको बताया है, मैंने एक स्टेटमेंट भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जारी करा है जिसमें उस स्टेटमेंट में भी जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जिक्र किया गया है, क्या नाम है, किस संदर्भ में लिखा गया है, किस मीटिंग के संदर्भ में लिखा गया है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से प्रचारित, मैंने लिखा है उसमें, ये सारे बेबुनियाद झूठे आरोप हैं और मेरी ये स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ेंगे आपको ये सारे जवाब मिलेंगे। मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए, आप मेरे स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे आपको ये सारे जवाब मिलेंगे। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा और आप सबसे विनती करना चाहूंगा, आप में से कई जो इस कमरे में बैठे हैं, आप सबसे मेरा कई सालों पुराना रिश्ता है, आप लोग बहुत समय से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, आप सबसे हम पिछले 7-8-10 साल से रूबरू होते रहे हैं, मिलते रहे हैं, आप सबसे विनती है कि इस प्रकार से झूठी खबर चलाना, तोड़ मरोड़ के खबर चलाना, किसी की छवि को हानि पहुंचाने के लिए खबर चलाना सरासर गलत है, जर्नलिस्टिक नॉर्म्स के खिलाफ है। आप सबसे विनती है कि इस खबर को क्लैरिफाई करें, नहीं तो मुझे कानूनन कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।